हेलो गाइस, वेलकम टू माय गीत किचन में आपका स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आप सुनाइए, आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं राजमा। आइए दिखाते हैं हम आपको राजमा हम कैसे बना रहे हैं। तो आपको मैं सामान दिखा देती हूँ कि क्या क्या डालेंगे हम, और हम बिना उबाले ही राजमा बनाते हैं, तो आज आपको भी बताते हैं। गाइज, ये सामान हमने निकाला हुआ है। 4 टमाटर है और 1 लहसुन की तुरी है और 5 मिर्चें और 2 अदरक की तुरी और ये 6 प्याज है। और राजमा हमने भिगो के रखे हुए हैं सुबह से। ये देखिए, पाइया राजमा है। हम उस हिसाब से सामान डालेंगे। बाकी आप चाहे आधा किलो बनाए तो उसका सामान इतना डबल कर लेना उसका। तो अब हम इसको पीस के फिर आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। इतना सामान तैयार करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं अपने घर में राजमा। गाइस, मैंने तेल चढ़ा लिया है कुकर में। अभी मैं आपको बताती हूँ कितना डालना इसमें तेल। गाइस, हमने तेल डाल चुके हैं। आपने 2 करछी तेल डालना है इसमें। मैं डाल चुकी हूँ, मेरा कोल आ गया था बीच में तो मैं दिखा नहीं पाई। 2 करछी तेल डालना है, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हींग, जीरा और मोटी इलायची। गाइस, ये हींग है। अब इसमें हम पहले हींग डालेंगे। फिर हम इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा और इलायची छोटी और मोटी डालेंगे। हिलाएंगे इसको। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। चम्मच जीरा मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अपना प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। गाइस, ये मैंने प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है मिक्सी में। हम इसको भी डाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस, हमने वो मसाला सा डाल दिया है, प्याज और अदरक लहसुन हरी मिर्च का। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। गैस हमने तेज कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता अच्छे से। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर पीस के मैंने रख दिया है। फिर उसके बाद हम टमाटर डालेंगे इसको भूनने के बाद। फिर सारे मसाले डालते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ा ये भून जाए। गाइस, आपको उसको चलाते रहने से ये करछी को, ताकि ये नीचे लगे ना, उसे पक जाएगा तो फिर सारा मसाला जल जाएगा, स्मेल अलग से आएगी। तो आपको उसको हिलाते रहना चाहिए बीच बीच में ना। आप हिलाते जाओ ज़्यादा उसको। 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, फिर उसको हिलाते जाओ 1 सेकंड के लिए। जैसे ही ब्राउन हो जाए फिर आप टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। मैंने टमाटर पीस लिए गाइस। ये देखिए, टमाटर मैंने पीस लिए। तैयार है हमारा मसाला। बस जैसे ये मसाला रेड हो जाएगा फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे, फिर मसाले डालेंगे, फिर आपको बताएंगे। हम इसमें बिना उबाले राजमा डालेंगे। गाइस, अच्छे से प्याज भून गया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल दिए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। पहले डालेंगे टमाटर, नमक स्वाद अनुसार और 1.5 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच हल्दी। हम डालेंगे MDH का देगी मिर्च और MDH का किचन मसाला। फिर हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जो भी आपके पास मसाले हैं वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे जिसमें हमने टमाटर पीसा था उसी जगह में। हम इसको थोड़ा सा हम मसाले को पकने देंगे। जैसे ही अपना तेल छोड़ेगा फिर हम इसमें राजमा डाल देंगे, जो आपको दिखाए थे मैंने भिगा के रखे हैं। हम सीधा उबाल के नहीं बनाते ना, तो हम सीधा तड़का लगा के बनाते हैं। तो देखो कितना अच्छा कलर आया। थोड़ा सा बस ये मसाला तैयार हो जाए, फिर हम उसके बाद दिखाते हैं।
देखो गाइस कितना अच्छा कलर आया है, मसाला भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे राजमा। अब हम इसमें डालेंगे ये पानी समेत राजमा। ये पानी साफ है, मैंने बदल दिया था, इसे मिक्स कर लेंगे। पानी और ऐड करते हैं। दो गड्डवी जितना भर के अपने पानी डालना। एक गड्डवी तो पहले ही था राजमा में और एक गड्डवी हमने बाद में डाली है। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे, सीटी आने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। गैस की फ्लेम तेज रखेंगे ताकि सीटी आ जाए, उसके बाद स्लो करेंगे। सीटी आ गई है तो हम अब स्लो करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं करना। गाइज मेरे राजमा, हमारे मतलब राजमा तैयार हो गए हैं। ये देखो अभी मैंने खोला है जस्ट ढक्कन आधे घंटे बाद और बिल्कुल तैयार है सब्जी। अब हम करते हैं प्लेटिंग। गाइज मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताना। अब हमने कर दिया प्लेटिंग, आप भी ऐसी बनाइए बिना उबाले। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड नाइट। नमस्ते, सत श्री अकाल। अब मैंने आपको रेसिपी दिखाई, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी देखने के लिए और गुड नाइट, शुभ रात्रि।